ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करें। कौरंगी जमान टाउन में 10 साल बच्चे के कत्ल का मुकदमा वालिद मोहम्मद मीजान की मुदैयत में दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान के चौकीदार आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का कहना यह है कि लाश पर तशद्दुद और ज्यादती के निशानात भी पाए गए हैं। बच्चे के कत्ल पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया है। बताते चले आपको कि कौरंगी जमान टाउन में 10 साल बच्चे के कत्ल का मुकदमा वालिद मोहम्मद मीजान की मुदैयत में दर्ज कर लिया गया है। दीगर तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर नदीम खान से। नदीम, आगाह कीजिएगा, कौन कौन सी रिफात शामिल की गई हैं? जी बिल्कुल, ये कत्ल की दिफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाकया कुछ इस तरह है कि गुज़िश्ता रोज ये बच्चा लापता हुआ था, मोहम्मद हुसैन अपने घर के बाहर से। ये स्पेशल बच्चा है जो अपने घर के बाहर से लापता हुआ था। इसके बाद इसकी तशद्दुद ज्यादा लाश एक कल्टस कार से मिली है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल्टस कार के मालिक और जो स्टैंड है उसका मालिक इनको हिरासत में लिया है। आसिम और शहजाद इनके नाम है जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर अब तक तफ्तीश कर रही है। ताहम अभी तक पुलिस ने बाकायदा इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पुलिस का ये कहना है कि जो मेडिकल लीगल ऑफिसर हैं उनके मुताबिक बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया गया है और लाश पर तशद्दुद के निशानात भी हैं। जी, लाश पर तशद्दुद और ज्यादती के निशानात भी पाए गए हैं। नदीम खान ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।